हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू फिशरीज। आइए सबसे पहले इंस्टीट्यूट को देखते हैं इसमें क्या है। पहला इंस्टीट्यूट इज एनएफडीबी और एनएफडीबी का हेडक्वार्टर साइड में मैंने लिखा हुआ है, इस साइड में आपको दिख भी रहा होगा, इट इज एट हैदराबाद। ना केवल हेडक्वार्टर्स बल्कि आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट के फुल फॉर्म भी आने चाहिए, बिकॉज फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं। और एनएफडीबी स्टैंड्स फॉर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। एनएफडीबी स्टैंड्स फॉर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। सेकेंड नंबर का इंस्टीट्यूट इज सीएमएफआरआई, जिसका हेडक्वार्टर्स है कोची में, और आइए इसका भी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, इट इज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो हमने पहले दो इंस्टीट्यूट्स कवर कर लिए इनके फुल फॉर्म्स और हेडक्वार्टर्स के साथ। आइए क्विकली एक बार रिवाइज कर लेंगे। एनएफडीबी हेडक्वार्टर्स हैदराबाद, सीएमएफआरआई का हेडक्वार्टर्स इज कोची, फुल फॉर्म इज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर के इंस्टीट्यूट पर, जो की है सीबा, CIBA, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, तो इट इज एट चेन्नई। और सीबा का फुल फॉर्म इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, हेडक्वार्टर्स आपको दिख रहा होगा, इट इज एट चेन्नई। नेक्स्ट है सीफा, CIFA, और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, तो ये है भुवनेश्वर में। एंड सीफा स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। सीफा का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो इट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। So, ये हो गया हमारे दो और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स कवर, एक था सीबा चेन्नई में और एक है सीफा विच इज एट भुवनेश्वर। नेक्स्ट इज सीआईएफटी विच इज एट कोची, और सीआईएफटी का फुल फॉर्म इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, हेडक्वार्टर्स आपके सामने है कहां पर, तो इट इज ऑल्सो एट कोची। कमिंग टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट, आइए देखते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में क्या है। सो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज सिफ्री, शॉर्ट में इट इज ऑल्सो रेड एज सिफ्री, शॉर्ट में से सिफ्री भी पढ़ सकते हैं। और इसके हेडक्वार्टर्स जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा बारकपुर में है, एंड द फुल फॉर्म इज सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन एक बार हेडक्वार्टर्स रिवाइज कर लेंगे कहां पर है, तो इट इज एट बैरकपुर। नेक्स्ट इज FSI, और FSI का फुल फॉर्म इज फिशरीज और फिश सर्वे ऑफ इंडिया, फिश सर्वे ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहां पर है बच्चों, तो इट इज एट मुंबई, FSI। कमिंग टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट, एट नंबर के इंस्टीट्यूट में देखते हैं फिशरीज से रिलेटेड कौन सा इंस्टीट्यूट है। इट इज एट NBFGR, इंस्टीट्यूट इज NBFGR, एक्चुअली इट इज अ ब्यूरो और फुल फॉर्म इज नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर है, ये लखनऊ में। इसी तरह से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि NBAGR कहां पर है, इसके हेडक्वार्टर्स, और NBPGR कहां पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के हेडक्वार्टर्स, एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। इससे आपका भी नॉलेज अपडेट हो जाएगा कि ये दोनों इंपॉर्टेंट ब्यूरोज के हेडक्वार्टर कहां पर है। नेक्स्ट है हमारे पास MPEDA, जो कि है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे MPEDA का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, सो इट इज एट कोची। डू कमेंट एंड लेट मी नो कि एपीडा का फुल फॉर्म क्या है और एपीडा के हेडक्वार्टर्स कहां पर है। ये तो हमने पढ़ा MPEDA मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं कोची में, लेकिन मुझे आपसे जानना है कि एपीडा के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीडा। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज CAA। आइए देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है और साथ ही में कुछ दो MCQs भी हैं फिशरीज बेस्ड इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड, उसे भी सॉल्व करेंगे। CAA का हेडक्वार्टर्स जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा ये चेन्नई में है एंड द फुल फॉर्म इज कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स कहां पर है बच्चों, तो इट इज एट चेन्नई। अब आइए इसके बाद दो इंपॉर्टेंट MCQs कर लेते हैं, ये MCQs भी फिशरीज बेस्ड इंस्टीट्यूट पर ही है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इज एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कहां पर है, तो बच्चों ध्यान में रखिएगा इट इज सिचुएटेड एट कोची। आइए इसके बाद सेकंड नंबर और लास्ट नंबर का MCQ देख लेते हैं। देखते हैं इसमें कौन सा फिशरीज से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, ये भी नया है, पिछले वाला MCQ सेशन भी नया है, सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे। फुल फॉर्म इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, कोची, हैदराबाद, मुंबई या बैंगलोर। तो ध्यान रखेंगे बच्चों दैट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी इज सिचुएटेड एट बैंगलोर। सो आज की क्लास में मैंने मैक्सिमम फिशरीज इंस्टीट्यूट को आपके साथ डिस्कस किया एंड आई होप कि आने वाले IBPS AFO के मेंस में इसमें से एक आध आपको इंस्टीट्यूट जरूर देखने को मिले। नॉट जस्ट अबाउट IBPS AFO मेंस बट फिशरीज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर बाकी एग्जाम्स ऑल्सो। सो डेफिनेटली इसे नोट डाउन कीजिए, याद कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक मिलूंगी। टिल देन पढ़ते रहें, थैंक यू सो मच।